अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपके लिए लाए हैं ईस्टर्न टैरो ज़ोडियक 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक। अगेन हैप्पी बर्थडे टू ऑल द स्कॉर्पियोज। और शुरू कर रहे हैं हम कैप्रिकॉन से, विच इज एन अर्थ स्टार। और कैप्रिकॉन का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है हेल्थ प्रॉब्लम्स का, साइकोसोमैटिक। इसमें माइग्रेन, इसमें कई लोगों को सवेयर लेवल पे फाइब्रोमेलजिया, इसमें आपने इस हफ्ते के ऊपर अपना खास ख्याल रखना है, अपने स्पिरिचुअल फेथ को डेवलप करना है, जिसके लिए या सलामों का वेद बहुत ज़्यादा करना है, उसको जिक्र के तरीके से करना है, एक्सरसाइज पूरी टाइमिंग, प्रॉपर फूड, ये सारा कुछ करना है, क्योंकि स्लाइटली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेगेटिव वे में नहीं आ रही, आपको कुछ ऐसी जगह से गुड लक आएगी कि जिसको अगर आप री इन्वेस्ट करने के लिए या थोड़ी देर उसको देखेंगे कि क्या करना है। सो योर हेल्थ हैज़ टू बी वेरी गुड बिकॉज सोशल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिंग एंड इट्स गुड। वो तो सही है, फैमिली लाइफ भी सही है, लव लाइफ ग्रूमी होगी। तो कैप्रिकॉर्न वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार होता है, अगर ग्रूमी भी है तो इसके लिए रूबी का पत्थर इस्तेमाल करें। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस के ऊपर। एक्वेरियस का ये हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्वेरियस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, या कद्दू सो पढ़िए, मूनस्टोन का इस्तेमाल कीजिए। और इमोशनल प्रॉब्लम ऐसी है कि वो उनके काम में भी इंटरफेयर कर रही है, यानी कि अगर उनकी ब्रेकअप हुई है तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे, घर में भी रिलेशनशिप नहीं चला पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। कभी कभी नज़र से ब्लॉकेज हो जाते हैं, किसी ने कुछ किया हो तो ब्लॉकेज हो जाते हैं। यहाँ पे ये अपनी इमोशनल स्टेट के ब्लॉकेजेस में आ जाएंगे, या मुक्तदीरों अल्लाह का नाम पढ़ें और एक्वामरीन स्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कोशिश करें कि अपने टाइम को फोकस करके गुजारें, विच विल बी वेरी गुड फॉर देम। पाइसिस के लिए दुआ का कार्ड आया है, तो इनको इस हफ्ते बहुत ट्रू ड्रीम्स आने वाले हैं। इसके लिए यही अल्लाह के 3 नाम, या अवलो या आखिरो या बादलों, 7-7 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के करें। इनकी साइकिक एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। एमेथिस्ट विच इज पर्पल इन्हांसेस इंट्यूशन, वो भी तेज़ होगी। 6 इज द लकी नंबर। एंड लव लाइफ के अंदर, पाइसिस के अंदर मैरिज, रुकी हुई मैरिज के लिए ब्रेक थ्रूज हैं फॉर मेन एंड फॉर वुमेन बोथ। ट्रैवल इज ऑल्सो इंडिकेटेड। फिर हम आ जाते हैं फर्स्ट हाउस ऑफ ज़ोडियक एरीज, और देखते हैं एरीज का क्या है। एरीज के लिए लोग नेगेटिव हो रहे हैं, उनको ऑफिस में प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप एरीज हैं और आपके ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन आपके ऑफिस के अलावा आपको बाहर अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, तो आपको ले लीजिए, या हयो या कयूमों का वर्थ कीजिए, एमरल्ड स्टोन का इस्तेमाल कीजिए, और डिप्लोमेसी को टॉप ऑफ द लाइन वीक ऑफ टिप द वीक रखिए, बिकॉज एरीज द फायर साइन एंड द वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, सो स्लाइटली डिप्लोमेसी इज नीडेड ओवर देयर। टॉरस का देखते हैं, टॉरस इज एन अर्थ स्टार। टॉरस फॉर अ चेंज बहुत हैप्पी है, टचवुड इनका बहुत अच्छा कार्ड आया है, और इसके अंदर ये फैमिली लाइफ, इनके भी शादी के रिश्ते खुल रहे हैं, और अगर रिलेशनशिप के बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लव एंड फैमिली, तो बड़ा अच्छा ब्रिज हो जाएगा। स्टोन जिरकॉन का इस्तेमाल करें। शॉर्ट टर्म ट्रैवल आ रहा है, ट्रैवल के अंदर बिजनेस भी आ रहा है, और ये अल्लाह का नाम या रहमानों पढ़ें तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर ये कोई लकी नंबर की कोई चीज़ ट्राई करना चाहते थे, नंबर 3 का करें, 3 विल बी गुड फॉर देम। अच्छा, और वाइट कलर इज ऑल्सो, सो पर्ल भी रिकमेंडेड हो सकता है। फिर टॉरस के बाद हम आ जाते हैं एयर साइन जेमिनी के ऊपर। जेमिनी इस वक्त मुफ्त में स्टबर्न हो रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ऑफिस में, घर में, इवन लव्ड वंस में, इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप, दूसरे की बात सुने और अपनी भी सुनानी है, तो पेशेंस और कम्युनिकेशन, या अजीजों या वदूदों का जितना वेद हो सकता है करें। जेड के स्टोन का इस्तेमाल करें, अपना बर्थ स्टोन अकीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका लकी नंबर है नंबर 2, और इसी तरह जैसे नंबर 2 के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वीक सेंसिटिविटी में गुजरेगा, बट ओवरऑल अच्छा व्यू है फॉर वीक है फॉर ट्रैवलिंग एंड फॉर मनी मैटर्स। दे विल फील लार्ज हार्टेड एंड दे विल
ऑल्सो गेट रिटर्न। आप चैरिटी का इस हफ्ते में खास ख्याल रखिए। जेमिनी के बाद हम आ जाते हैं कैंसर पे। कैंसर इस वक्त अगेन बहुत ज़्यादा इमोशनल है और लव के मामले में बड़े खड़े और सच्चे होते हैं। ऐसे इनको रिस्पांस नहीं मिलता और कुछ ऐसा इसी हफ्ते में होने लगा है। बट नॉट टू वरी, या वदूद हो या लतीफ हो या हक हो, सात सात मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के और क्लेंजिंग, सात दफ़ा दुरूद शरीफ, सात दफ़ा सूरह कौसर और सात दफ़ा दुरूद शरीफ कैंसेरियन पढ़े, लव मैटर्स के अंदर उनको फतह होगी। और जब वो लव मैटर्स को कॉन्कर कर लेते हैं तो दुनिया को कॉन्कर करना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। सो इफ यू हैव द एबिलिटी टू कॉन्कर इट दिस वीक, यू विल फील बेटर अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो। फिर हम आ जाते हैं लियो के ऊपर। लियो बहुत अच्छा कार्ड है एक्सेप्ट फॉर हेल्थ। लव कार्ड अच्छा है, मनी कार्ड अच्छा है, ट्रैवल कार्ड अच्छा है। हेल्थ के अंदर फेस यानी आईज, टीथ, एयर, इवन थ्रोट आर सेंसिटिव, सो बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे एंड थिंग्स यू कैन हैव एंजॉय योर सेल्फ, वो भी आ रही है। रूबी का अपना बर्थ स्टोन पहने और अल्लाह का नाम या मुसव्विर हो जितना हो सकता है उतना खुला पड़े, इट बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। इनका इनका लकी नंबर 5 है तो उसका भी ये यूज इस हफ्ते में कर सकते हैं। फिर लियो के बाद हम आ जाते हैं वर्गो के ऊपर। वर्गो थोड़ा डिप्रेस्ड है, थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं, लेकिन जन्म कार्ड का मतलब है कि इनको एवेन्यूज इस हफ्ते में नए रिलेशनशिप्स के मिलेंगे। ये और ये सोच नहीं रहे हैं कि ये मे बी यू नो रिलेशनशिप में जाए, नए रिश्तों में जाए, मगर ये बहुत अच्छा वीक है। अगर कोई वर्गो ये कॉन्टम्पलेट कर रहा है कि उसको अरेंज या लव मैरिज करनी चाहिए तो इस हफ्ते में आप अरेंज मैरिज को भी ट्राई करके देखें या अरेंज रिश्ते को ट्राई करके देखें फॉर एन अरेंज मैरिज, और आप देखेंगे ये बहुत अच्छा रहेगा। ब्लू सैफायर भी हो सकता है और या खालिको अल्लाह का नाम भी ये पढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। फिर वर्गो के बाद हम आ जाते हैं लिब्रा का। लिब्रा का ये लकी वीक आ रहा है और लिब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र का कार्ड है। ऑरा क्लेंजिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और सदकात भी इन्होंने देने हैं। ऑरा का क्लेंजिंग जैसे सूरह कौसर की मैं बताती हूँ वो वाली, ये आयतल कुर्सी बहुत ज़्यादा खुली पड़े हैं और सदका 1.5 किलो बड़े गोश्त का इन्होंने 12 बजे से पहले ट्यूसडे वाले दिन फेंक देना है। ये परिंदों के लिए सदका होगा और क्योंकि आगे हफ्ते इनके इन सारे एंटीडोट्स की वजह से बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। स्कॉर्पियो इस वक्त स्कॉर्पियो इज अ वेरी इंटेंस स्टार, इट्स अ वाटर साइन, इज वेरी पोजेसिव, लेकिन इस हफ्ते इन्होंने अपने पोजेसिवनेस को कंट्रोल किया हुआ है विजडम के साथ। या हकीमों पढ़ते रहिए, या हकीमों इज अ नेम फॉर विजडम, और ये या हकीमों को या को दूसरों से पढ़ेंगे तो इमोशनल विजडम भी आ जाएगा बिकॉज ये वैसे बड़े श्रूड और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लॉयल लोग भी होते हैं। स्मोकी टोपाज पहने। आपका लकी नंबर 7 है। 7 इज अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द नंबर ऑफ 7 दिस वीक, एंड कोरल का स्टोन भी इस्तेमाल हो सकता है, ब्रिंग यू फाइनेंशियल लक। फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस के ऊपर। सेजिटेरियस इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में है, काम कर रहे हैं, फिर रहे हैं, बल्कि ओवर एक्टिविटी से अपना थोड़ा सा हेल्थ को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हुसैनी फिरोजा पहनी, हदूद चीनी का भी इस्तेमाल हो सकता है और पेपर वर्क पे बहुत केयरफुल रहे हैं बिकॉज आगे नुकसान होने का एक इंडिकेशन सेजिटेरियस को है। सो प्रिकॉशन इज ऑलवेज वेल। और इसमें आपने सदका करना है, सफ़ेद रंग का कोई सदका कर दीजिए ताकि आपका ट्रेड ऑफ हो जाए और नुकसान ना हो। ये सदका करेंगे तो दे विल बी गुड। अगर सेजिटेरियंस बच्चे हैं तो वो स्पोर्ट्स वगैरह में अगर देखें एक्सेल करेंगे, उनको स्पोर्ट्स में डालिए, दैट बी गुड। और चैरिटेबल वर्क में ऑफन्स के साथ जितना काम करेंगे रोजगार में उतना ज़्यादा फायदा होगा, अच्छा होगा। या बारियो भी ये 102 मरतबा पढ़ सकते हैं। ये हमारा छोटा सा ईस्टर्न टैरो एंड ज़ोडियक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। टिल देन खुदा हाफ़िज़।